मुंबई मनपा आयुक्त ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव, परिवहन विभाग के कर्मचारियों को मिले सातवें वेतन आयोग का लाभ। पूर्व सांसद संजीव नाइक ने आयुक्त से मुलाकात कर जताया आभार। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता संजीव नाइक ने आज मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और आयुक्त का परिवहन विभाग के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाने पर उनका आभार जताया। संजीव नाइक ने कहा कि हम श्रमिक सेना के अंतर्गत पिछले कई सालों से परिवहन कर्मियों को सातवां वेतन आयोग देने की मांग कर रहे थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने यह प्रस्ताव भेजा है। अगर इस शहर के सभी कर्मचारियों को अगर सातवां वेतन आयोग मिल रहा है तो भी इन लोगों की क्या दुश्मनी थोड़ी है, इनकी गलती नहीं है। सिर्फ ये परिवहन सेवा उपक्रम जो है ये ऐच्छिक होता है, ये मैंडेटरी नहीं है करके इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसके कैफो अलग होते हैं और उसके लिए वो कैफो क्या बोलते हैं कि अगर हम ये बढ़ोतरी करेंगे सैलरी में तो हर साल की आमदनी हमारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, फिर वापस कॉरपोरेशन के ऊपर इसका बोझ आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर साहब ने इसको थोड़ा सा देना तो पड़ने वाला ही था, लेकिन इसके लिए 2 साल लगे। लेकिन मुझे भरोसा है कि नाइक साहब ने जिस तरीके से पिछले कई सालों में इस शहर के इनवर्ड एंड आउटवर्ड, आने वाला इनकम और जाने वाला खर्चा, इसका बराबर बैलेंस रखा है। स्टैंडिंग कमेटी हो, जनरल बॉडी हो, इसमें हम देखते हैं कि शहर के लोगों से हम जब टैक्स वसूल करते हैं तो वो आने वाला पैसा सही इस्तेमाल हो, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से निगरानी नाइक साहब ने अपनी टीम के माध्यम से की है और ये पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है। वरना बाजू में तो कितने शहर हैं, वो शहरों को क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे ही शहर को क्यों मिल रहा है। बता दें कि मनपा कर्मचारी 2017 से ही सातवें वेतन आयोग का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन मुंबई परिवहन विभाग के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था, जिसे लेकर काफी लंबे समय से विभिन्न कर्मचारी संगठन सातवां वेतन आयोग देने की मांग कर रहे थे। अब जाकर मनपा आयुक्त ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है, इस पर श्रमिक सेना के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की और राज्य सरकार से प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग भी दोहराई। ये अच्छी सेवा, सुरक्षित सेवा और लोगों को लगेगा, उनको अभिमान होगा कि भाई इस शहर की परिवहन सेवा अच्छी तरह से चल रही है, ऐसा अभिमान हमारे सभी लोगों को लगेगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। कोरोना काल में सभी कर्मचारियों ने, कंडक्टर ड्राइवर से लेकर अधिकारियों तक, सबने अपना योगदान दिया है। ये नवी मुंबई की परिवहन सेवा, ये स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देगी और ये 2021 साल हम सब के लिए उन्नतिमय, आकांक्षामय और प्रगतिशील जाएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सब लोगों की, हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी मार्गदर्शन, सहयोग मिलता रहे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। ओके, इसको समय लगने के पीछे यही बात है कि कॉरपोरेशन की जो परिवहन उपक्रम होता है ये मैंडेटरी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि इस महाराष्ट्र में 27 तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन सबकी परिवहन सेवा नहीं है। जैसे शिक्षा है, ये मैंडेटरी है, आरोग्य मैंडेटरी है, पानी, सड़क, साफ सफाई, ये सब मैंडेटरी है, करना ही पड़ता है कॉरपोरेशन को। परिवहन सेवा मैंडेटरी नहीं है, नगर पालिका ने ठराव लेके ये परिवहन सेवा चालू की थी। परिवहनला लागू केला त्याबद्दल या सर्वांचे मी श्रमिक सेना वतीने जनरल सेक्रेटरी या नात्याने सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। व्यवस्था ब्युरो रिपोर्ट, टीव्हीएन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीएन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।